संकल्पना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग्भवेत्। यह इस देश के मूल में रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त कर तब तक चलते रहो जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सा विद्या या विमुक्तय हमारी संकल्पना है। विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें मोक्ष प्रदान करे। इसी देश से यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष हुआ था, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस प्रकार की संकल्पना का अपना यह देश है। हम तो कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वस्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवः। इस देश में पैदा होकर के अपने व्यक्तिगत चरित्र के माध्यम से विश्व के सभी लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता अगर किसी देश के लोगों में रही है तो भारत के लोगों में रही है। आज का जो विषय है मित्रता का अनुशासन, वास्तव में थोड़ा अगर हम रामायण काल में चलते हैं, भगवान राम को जब वनवास हो जाता है और वनवास के लिए वो जंगल पहुँचते हैं और उनकी जटायु से भेंट होती है, तो जटायु भगवान राम से कहते हैं कि आपके पिता दशरथ से मेरी मित्रता रही है, आप उनके पुत्र हैं, पुत्र होने के नाते मेरे भी आप संबंध में हैं, इसलिए इस जंगल में मैं आपका सहयोग करूंगा। अर्थात आपके पिता की जो मित्रता है उस मित्रता के कारण मैं आपका सहयोग करूंगा। हम सभी के संज्ञान में है जब सीता हरण होता है और रावण सीता को लेकर के लंका की ओर प्रस्थान करता है और जटायु जब इस घटना को देखता है तो उसे रहा नहीं जाता और वह मित्रता उसे ध्यान में आती है और वह रावण से युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। रावण से युद्ध भी होता है, यद्यपि रावण उसके पर काट देता है और जटायु की मृत्यु होती है। भगवान राम उसका अंतिम संस्कार करते हैं और कहते हैं कि जटायु, हमारे पिता से आपकी मित्रता थी, वास्तव में मैं आपका दाह संस्कार कर रहा हूँ। आपका नाम मित्रता की जब सूची बनेगी तो दुनिया के इतिहास में आपका नाम रहेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सुग्रीव की मित्रता राम से हुई। सुग्रीव और बाली का आपस में विद्वेष था, बाली ने सुग्रीव के साथ बहुत अत्याचार किया था। बाली के डर से सुग्रीव राज्य को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहता था। भगवान राम को इसकी जानकारी जब हनुमान के द्वारा प्राप्त होती है और भगवान हनुमान जी सुग्रीव को राम से भेंट कराते हैं तो राम कहते हैं कि मैं आपका सहयोग करूंगा, मैं आपका मित्र बना हूं, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करने का मेरा दायित्व है। रामायण साक्षी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका विविध व्यवस्थित वर्णन किया है। जब राम सुग्रीव को युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में भेजते हैं, दोनों भाई की शक्ल एक जैसी होने के कारण असमंजस की स्थिति आती है कि भगवान राम बाली का वध कैसे करें। बाली अपने छोटे भाई को बहुत प्रताड़ित करता है। सुग्रीव किसी प्रकार से बच करके जब आता है, भगवान राम कहते हैं कि दोनों भाई एक जैसे हैं, मैं कैसे उसको मार सकता हूँ। एक माला देते हैं और माला पहन करके जब सुग्रीव बाली से लड़ाई के लिए जाते हैं, युद्ध होता है और भगवान राम बाली का वध करते हैं। बाली पूछता है कि सुग्रीव आपका मित्र हो सकता है, लेकिन आपसे मेरी कभी कोई दुश्मनी नहीं रही है, आपने मेरा वध क्यों किया है। भगवान राम ने कहा था कि आप का जो आचरण था वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं था, आपने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था, अनुज वधू भगनी सुत नारी, इन्हें ही विदिश
इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई ताहि बधे कछ पाप न हुई। बाद में घटना चली, घटना घटी, बालिका वध हुआ और भगवान राम ने तय किया था कि जो राज्य है, जो साम्राज्य है, वह सुग्रीव को दिया जाएगा। सुग्रीव राम के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो सन्यासी होना चाहता हूँ, मैं राज्य का, इस साम्राज्य का मालिक नहीं होना चाहता, राजा नहीं बनना चाहता। राम ने कहा कि वास्तव में राजा तो वही अच्छा होता है जो सन्यासी होता है, इसका किसी के से कोई मोह नहीं रहता। यदि राम चाहते थे वहाँ के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ का राज्य स्वीकार नहीं किया और मित्रता का निर्वहन करते हुए उन्होंने सुग्रीव को वहाँ का राजा बनाया। घटना आगे बढ़ती है, सीता की खोज में सुग्रीव की पूरी टोली जो थी, हनुमान सहित, अंगद सहित सब जाते हैं, लंका पहुँचते हैं। उसके पश्चात वहाँ की घटना घटती है, रावण अपने भाई को दुत्कार करके अपने राज्य से निकालता है, अपमानित करके बाहर करता है और विभीषण भगवान राम की शरण में आते हैं। और उसी समय भगवान राम समुद्र का जल मंगा करके विभीषण का अभिषेक करते हैं और कहते हैं कि आज से मैंने आपको अपना मित्र स्वीकार कर लिया। और भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता पूरे इतिहास में वर्णित है और वहाँ पर भी भीषण लड़ाई होती है, रावण मारा जाता है और वहाँ का राज्य भी भगवान राम विभीषण को सौंपते हैं। लक्ष्मण के मन में भी आता है और अपने बड़े भाई से वो कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो चूंकि लंका सोने की है, हम यहाँ रुक जाएं। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मैंने विभीषण को राजा बनाने का वचन दिया है, ये काम नहीं हो सकता, हमें अयोध्या लौटना है। अगर कोई दूसरे राम के स्थान पर कोई दूसरा होता तो लंका का साम्राज्य, लंका के साम्राज्य का स्वामी बनता, लेकिन भगवान राम ने विभीषण को राज्य सौंप कर स्वतः वह अयोध्या लौट आते। इसी प्रकार से थोड़ा सा अगर महाभारत काल में चलते हैं तो कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, महाभारत का जो युद्ध होता है, उस महाभारत के युद्ध में जब युद्ध के मैदान में अर्जुन पहुंचते हैं, उनको मोह हो जाता है और वो भगवान अपने सारथी मित्र से, कृष्ण उनके सारथी भी थे, कृष्ण उनके मित्र भी थे, जहाँ जहाँ भ्रम की स्थिति आती है कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते हैं, उचित राय देते हैं। गीता के उपदेश में जब उनको लगता है कि हमारे सामने तो हमारे परिवार के ही लोग हैं, हमारे संबंधी लोग हैं, इनका वध हम कैसे करेंगे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करना ही अपने अधिकार में है, आगे परिणाम क्या है इसका चिंतन करना आवश्यक नहीं है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब इस देश में या विश्व में अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं धर्म का उत्थान करने के लिए जन्म लेता हूँ, अवतरित होता। भगवान अपने मित्र से पुनः कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थाप्य नाथाय संभवामि युगे योगे। हे अर्जुन, जो ये सज्जन शक्ति है, इस सज्जन शक्ति के परित्राण के लिए और बुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। जब अर्जुन को भ्रम होता है, जब उनका पुत्र अभिमन्यु मारा जाता है, वो व्यथित हो जाते हैं, उस दशा में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि अर्जुन आप अपने पुत्र से मिलना चाहते हो क्या? अर्जुन ने कहा एकदम मिलना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, उस विराट रूप में हजारों की संख्या में अभिमन्यु दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से अपने मित्र से कहते हैं, मित्र जरा अपने अभिमन्यु की पहचान करो, आपका अभिमन्यु कौन है? कृष्ण की बात सुनकर के अर्जुन देखने लगते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं कर पाते कि हमारा अभिमन्यु इसमें कौन सा है। कहते हैं कि प्रभु मैं अपने अभिमन्यु को पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसमें बहुत से अभिमन्यु हैं। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, उसी विराट स्वरूप में केवल एक अभिमन्यु को दिखाते हैं। जब एक अभिमन्यु दिखता है तो अर्जुन उसकी ओर दौड़ते हैं और जैसे ही अभिमन्यु के पास जाते हैं, अभिमन्यु कहता है रुको आप कौन है? अर्जुन कहते हैं आप मेरे बेटे हो। कहा नहीं, आपको गलत फहमी है, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। आप एक बार मेरे पिता हो गए तो आप कह रहे हैं मैं आपका पिता हूं, कई जन्म में मैं आपका पिता रहा हूं। उसी समय भगवान कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया कि कोई किसी का नहीं है, ये जन्म मरण का जो चल रहा है हिसाब किताब, उसमें ये पिता पुत्र की जो संकल्पना है ये बदलती रहती है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने एक सच्चे मित्र के रूप में, यद्यपि वो मर्यादा, यद्यपि वो परमात्मा स्वरूप थे, उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और अर्जुन का जब तक भ्रम नहीं टूटा और जब तक उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ, वो उनकी शंका का समाधान करते रहे। मित्रता वास्तव में जो कठिन परिस्थितियों में सहयोगी बने, विपरीत परिस्थितियों में साथ खड़ा हो, यही मित्र की पहचान होती है। एक उदाहरण महाभारत का और आता है जिसमें दुर्योधन और कर्ण की जो मित्रता है, दुर्योधन कुंती पुत्र थे, सूर्य पुत्र थे, जब उनका अपमान होता है तो कर्ण जब अपमानित होते हैं, अपमान को सह नहीं पाते, दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन उन्हें अंगदेश का सम्राट बनाते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है, कुंती भी अपने पुत्र कर्ण के पास जाती है और ये कहती है कि ये आपके भाई हैं, इनका वध आपको नहीं करना। वो अपने दुर्योधन से की जो मित्रता थी इतनी प्रगाढ़ थी, उस प्रगाढ़ता के कारण कर्ण अपने माता को भी कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं तो दुर्योधन के साथ ही हमारी मित्रता है, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। यद्यपि वह अपनी माँ को वचन देते हैं कि जो हमारे पांच भाई हैं उसमें मैं केवल अर्जुन का ही वध करूँगा, फिर भी आपके पांच बेटे जीवित रहेंगे। तो कृष्ण कर्ण और दुर्योधन की मित्रता है, एक मित्रता का उदाहरण भी कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में आज भी उसकी चर्चा होती रहती है। थोड़ा सा आधुनिक काल में अगर हम चलें, रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र का जो संबंध था, वास्तव में रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र के गुरु थे, लेकिन केवल गुरु नहीं थे, वह उनको अपना मित्र भी मानते थे। जब उनकी पहली बार भेंट होती है और रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र आप क्या चाहते हो? तो नरेंद्र ने उस समय कहा था कि मेरे पास अर्थाभाव है, मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ इस प्रकार धन मिले, हमारा परिवार चले। रामकृष्ण परमहंस ने उस समय एक वाक्य कहा था, नरेंद्र मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्वार्थी हो गए। रामकृष्ण परमहंस के एक वाक्य ने नरेंद्र के जीवन की दशा दिशा बदल दी और जब नरेंद्र नाम का वो बालक काली माँ के मंदिर में जाता है, मांगने जाता है धन वैभव ऐश्वर्य, लेकिन वहां से मांग कर लौटता है भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तीन बार गए, तीनों बार उन्होंने यही मांगा। रामकृष्ण परमहंस के बाद
पास से लौट करके आते हैं, तो उनके गुरु तो थे ही, लेकिन वो गुरु से ज़्यादा उनके मित्र थे, उनसे बातचीत भी होती थी। एक प्रसंग में नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि क्या भगवान को देखा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ देखा जा सकता है, वैसे ही देखा जा सकता है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कहा इसके लिए करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा कल सवेरे आइए। जब नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, एक नदी के पास जाते हैं, नदी में पर्याप्त पानी है। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र का सिर दबा करके उस पानी में डुबो दिया, काफ़ी देर तक डुबोए रहा। बाद में उन्होंने उनका सिर जब बाहर किया तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा था, इस समय आपको किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता लग रही थी। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव उस समय मुझे लग रहा था कि मुझे श्वास की आवश्यकता, मुझे ऑक्सीजन मिल जाए। रामकृष्ण ने परमहंस ने कहा, नरेंद्र जिस प्रकार की तड़पन श्वास लेने की थी, अगर इसी प्रकार की तड़पन आपके जीवन में आ जाए, लोग स्त्री पुत्र के लिए घरोवासी बहाते हैं लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए क्या कोई आंसू बहाता है? तो जिस प्रकार की तड़पन उस समय जीवन पाने के लिए थी, उसी प्रकार की तड़पन यदि भगवान की प्राप्ति के लिए हो जाए तो कहीं ना कहीं भगवान की प्राप्ति संभव है। एक उदाहरण और आता है चाणक्य का, चंद्रगुप्त का। चाणक्य कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षक थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे। एक बार जब घनानंद ने उनका अपमान किया, अपमान से जब वो परेशान हुए, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं घनानंद का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, उसके राज्य का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बालक चंद्रगुप्त की वो खोज करते हैं, चंद्रगुप्त को साथ लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और घनानंद से युद्ध के लिए उनको तैयार करते हैं। चंद्रगुप्त बाद में राजा बनते हैं, घनानंद का विनाश होता है, उनका साम्राज्य नष्ट होता है, चंद्रगुप्त राजा बनते हैं। चाणक्य यदि चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, वो राजा नहीं बने। चंद्रगुप्त को उन्होंने सम्राट बनाया, उनके महामंत्री बने और महामंत्री के बनने के बाद चंद्रगुप्त ने कई बार कहा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। वो करते भी थे, लेकिन चंद्रगुप्त उन्होंने कहा कि आप मेरे मित्र जैसे हो, राजा हो, राजा के जो अधिकार हैं उस अधिकारों का आपको पालन करना है, उसमें मेरी कोई दखल नहीं है, लेकिन साम्राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, जो जीवन मूल्य हैं, जिस दिन आप उससे विमुख हो जाएंगे उस दिन आपका साम्राज्य, आपके साम्राज्य की भी वही स्थिति होगी जो घनानंद के साम्राज्य की हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य का संबंध गुरु और शिष्य का भी रहा, लेकिन वास्तव में वो मित्र थे और मित्र की भूमिका में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की पूरे जीवन पर्यंत मदद करी। एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं, वो मित्रता से संदर्भित है, लेकिन वो मित्रता किसी व्यक्ति से नहीं, समाज की मित्रता। इसे जो संत होता है वो समाज के सभी लोगों का मित्र होता है, संत कभी अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीता। एक घटना बताता हूं, एक राजा थे, उस राजा पर पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण रात्रि में होता है, रात्रि में आक्रमण होने के कारण वो राजा पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद वहां से पलायन करता है। जिस राजा ने आक्रमण किया था, पलायन करने के बाद उसके पीछे पीछे उसकी सेना चल जाती है, वो काफी दूर निकल जाता है। काफी दूर जाने के बाद एक पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ में गुफा दिखती है, उस गुफा के पास वो राजा जाता है, देखता है कि अंदर एक संत बैठे हैं, वो संत तपस्या कर रहे हैं। राजा ने बार बार निवेदन किया संत से, महात्मन मेरी संत, मुझे बहुत प्यास है, मुझे पानी चाहिए। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद जब संत का ध्यान टूटता है
तो राजा से पूछते, राजन आज मेरी कुटिया में आपका आना क्यों हुआ? राजा ने पूरी घटना का उल्लेख किया, बताया कि मेरे राज्य पर आक्रमण हो गया, मैं हार गया हूँ, मैं पराजित हो गया हूँ, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। महात्मा ने कहा, राजन मेरी कुटिया के पीछे जाओ, वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ से पानी की याचना करो, पानी मिलेगा। वो राजा वहाँ जाता है, पानी की याचना करता है, पानी मिल जाता है। अब राजा के मन में एक प्रश्न आता है, यह पेड़ तो बड़ा शक्तिशाली है, इसने मुझे पानी दिया है, यदि मैं अपने भोजन की इच्छा करूं तो हो सकता मुझे भोजन भी मिल सकता है। राजा ने तुरंत भोजन की इच्छा की, भोजन भी मिल गया। अब राजा के मन में आया कि यदि मैं इस वृक्ष से अपना खोया हुआ राज्य मांग लूं तो मेरा खोया हुआ राज्य भी मिल सकता है। राजा ने याचना की, याचना करने के बाद वो देखता है कि जिस राजा ने आक्रमण किया था वो अपनी सेना के साथ आता हुआ दिखाई देता है। राजा के मन में आता है कि अब तक तो मैं बच गया था, लेकिन लगता है मेरी हत्या हो जाएगी। भागने का प्रयास करता है, तब उस वृक्ष से आकाशवाणी होती है, राजन रुको, वो राजा तुझे मारने के लिए नहीं आ रहा है, वो राजा तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस करने आ रहा है। वो राजा रुक जाता है, जिस राजा ने आक्रमण किया था वहां आकर उनके पैरों पर गिरता है, कहता मुझसे भूल हुई, ये राज्य मैं वापस कर रहा हूं, आप जाकर के अपने राज्य का संचालन करिए। वो राजा चला जाता है। अब इस राजा के मन में एक प्रश्न उठता है कि जिस संत की कृपा से मुझे पानी मिला, जिस संत की कृपा से मुझे भोजन मिला, जिस पेड़ संत और पेड़ की कृपा से मुझे खोया हुआ राज्य मिला, क्या कारण है कि ये महात्मा जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते? यह एक लंगोटी पहन करके बैठे हैं और वो महात्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं महात्मन मेरे मन में एक प्रश्न है। महात्मा ने कहा आपका काम हो गया, जाइए अपना काम करिए। नहीं महात्मन, तब मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं मिल जाएगा। बहुत जिद करने के बाद महात्मा जी ने जो उत्तर दिया, यही उत्तर बताने के लिए मैंने इतनी बड़ी कहानी बताई। महात्मा ने कहा, राजन संत तो समाज का मित्र होता है, संत तो समाज के लिए जीता है। जिस दिन मैं इस वृक्ष से अपने लिए मांगना शुरू कर दूंगा, उस दिन यह वृक्ष मानवता के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, यह वृक्ष समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इस वृक्ष से अपने लिए कुछ नहीं मांगता। यह भारतीय संस्कृति का अनुपम उदाहरण है, यहाँ का जो संत समाज है वो समाज के लिए जीता है। उसने संत ने राजा से कहा, राजन आप भी समाज के अंग हैं, मैं आपका भी मित्र हूँ, और इस मित्रता के कारण जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने आपसे किया है। इस दृष्टि से एक विषय जो दैनिक जागरण ने लिया है, ये बड़ा महत्व का विषय है कि समाज का जो एक वर्ग है, मित्रता छोटे बड़े में, बड़े छोटे में हो सकती है। मित्रता चाहे वो राम भगवान कृष्ण और सुदामा की हो, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण आज पूरी दुनिया का विषय है, हम सभी के संज्ञान में है कि सुदामा और कृष्ण, सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं, कृष्ण राज परिवार में पैदा होते हैं, दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, मित्रता दोनों की वहीं होती है। धीरे धीरे जब कृष्ण द्वारिका पहुंच जाते हैं, तब एक दिन सुदामा की पत्नी कहती है कि आप बार बार कहते हैं कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, क्या आप कृष्ण से कोई मदद नहीं ले सकते? तो सुदामा कहते हैं कि वो मेरे मित्र जरूर हैं, लेकिन मैं कृष्ण से कुछ मांग नहीं सकता। उनकी पत्नी कहती है कि मैं मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन एक बार आप जाकर के उनसे मिल तो आइए। वो जाते हैं तो चावल की पोटली लेकर के जाते हैं। पर्याप्त उनको कठिनाई भी रास्ते में होती है, जब द्वारिका पहुंचते हैं, द्वारपाल से मिलते हैं, द्वारपाल संदेश लेकर के जाता है, और जब कृष्ण को इसकी जानकारी होती है कि मेरा मित्र सुदामा आया है,
तो अपने राज्य के समस्त कार्यों का परित्याग करके वो नंगे पांव दौड़ करके आते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। उस समय कृष्ण अपने, जब कहीं उनका अपमान भी होता है उस स्थान पर, द्वारपाल भी उनकी नहीं सुनते, तो अपने घर की वापसी वो करने लगते हैं। भगवान कृष्ण दौड़ करके जाते हैं, सुदामा से उनकी भेंट होती है और भेंट होने के बाद उन्हें ले करके अपने राजमहल में जाते हैं। राजमहल में कहा जाता है कि उनके आंखों से जो आंसू गिरते हैं उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और जो चोरी से उन्होंने तंदुल रखे थे, भगवान कृष्ण वो तंदुल की मांग करते हैं, वो उसको छुपाते रहते हैं, कहते हैं कि मेरी भाभी जी ने जो आपके लिए चावल, भाभी जी ने मेरे लिए चावल भेजा है, वो चावल मुझे दीजिए। और जब वो भगवान कृष्ण उस चावल को पहली मुट्ठी खाते हैं, एक लोग दे देते हैं, पूरा एक लोग उनको मिल जाता है। लेकिन इधर सुदामा को तो पता ही नहीं कि मुझको मिला क्या। वो दूसरी मुट्ठी चावल जब खाते हैं तो दूसरा लोग भी उनको दे देते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीसरी मुट्ठी चावल डालना का प्रयास करते हैं, उनकी जो पटरानियाँ थीं वो दौड़ करके आती हैं और वो चावल ले लेती हैं। लेकिन इधर सुदामा को कुछ भी नहीं पता है कि हमें मिला क्या। वो रास्ते में जब लौटते हैं तो उनके मन में प्रश्न भी उठता है कि हमारा कैसा मित्र है, मुझको लग रहा था कि जाने पर ये मुझे लौटते समय कुछ देगा, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब वो लौट करके आते हैं, भगवान कृष्ण ने उनके महल का निर्माण कराया था, केवल महल का निर्माण नहीं कराया बल्कि पूरे गांव में सारे भवन बनाए गए, क्योंकि उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी ने कहा था कि मेरी कठिन परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने मेरी मदद की है, तो पहले इनका भवन बनना चाहिए। तो स्वयं विश्वकर्मा जी जाकर के वहाँ एक उनका प्रासाद अर्थात महल और गांव के सभी लोगों का दिव्य भवन तैयार कराया था। जब सुदामा पहुँचते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि मैं कहाँ पहुँच गया, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाते। बाद में उनकी भेंट होती है, भेंट होने के बाद अपने महल में जाते हैं, तो कुल मिलाकर के भगवान कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी, जो दोनों लोगों के एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला सामान्य बालक और राज परिवार में पैदा होने वाला एक विशिष्ट राजा, दोनों के संबंध और दोनों के मित्रता का जो उदाहरण हमारे सामने आता है वो वास्तव में अतुलनीय है। वास्तव में इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण इस प्रकार का नहीं मिलता। एक और घटना का उल्लेख करता हूं। शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों का मित्र होता है और प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की समस्या को समझ लेता है, उनको देख करके अनुमान लगा लेता है और मित्रवत रह करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है। जस्टिस संतोष हेंगड़े सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जिस समय मैं ग्रेजुएशन का छात्र था, एक दिन मेरे घर पर मिस्टर जगन्नाथ सेठी जो मेरे शिक्षक थे वो मेरे घर आए। बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौर में मिस्टर जगन्नाथ सेठी ने मुझसे कहा, संतोष तुम LLB करो, तुम्हें जज बनना। संतोष हेगड़े ने कहा कि उस समय मैंने कहा था कि मैं तो फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मेरी रुचि तो खेल में है, मैं LLB कैसे कर सकता हूँ, मैं जज कैसे बन सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम जज बनोगे। जस्टिस हेंगड़े लिखते हैं कि मैंने उनकी बात मानी, मैंने LLB किया, मैं जज बना। कालांतर में मैं हाई कोर्ट का जज बना, सुप्रीम कोर्ट का जज बना, मैं निवर्तमान हो रहा हूँ। फिर उन्होंने लिखा कि मिस्टर जगन्नाथ सेठी केवल मेरे शिक्षक नहीं, वो मेरे मित्र भी थे। वो केवल मित्र नहीं, शिक्षक नहीं, मेरे गाइड भी थे। फिर आगे लिखते हैं, वे मेरे गाइड नहीं, वो मेरे भगवान भी थे। एक बड़ी बात आगे और लिखते हैं कि वे मेरे भगवान ही नहीं, वे मुझे अपना भी भगवान मानते थे। इस प्रकार एक शिक्षक और एक शिष्य का जो संबंध है,
जहां शिक्षक अपने शिष्य को मित्रवत देखता है और मित्रवत रह करके उनकी समस्याओं का समाधान करता है, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि अगर एक सच्चा मित्र है तो वह अपने मित्र के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, उनके बारे में अच्छा सोचता है और कहाँ गलती हो रही है उसके बारे में विचार करके उनका समन भी करता है। मैं तो कहता हूँ कि मित्र पारस पत्थर होता है। जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से जो सच्चा मित्र होता है वो जिससे मित्रता करता है उसको अच्छा बनाता है, उसको भी कहीं ना कहीं स्वर्ण बनाने की कला एक अच्छे मित्र में होती है। एक उदाहरण की ओर और ले चलता हूँ। इतिहास में या रामायण काल में रत्नाकर नाम के एक डाकू की चर्चा आती है। रत्नाकर नाम का व्यक्ति जिसकी दिनचर्या का हिस्सा था लोगों को लूटना, लोगों के सामान छीन लेना, लोगों की हत्या कर देना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक घटना आती है, एक बार कुछ संत जा रहे थे, रास्ते में रत्नाकर मिल गए। रत्नाकर ने उनको रोका। महात्मा लोगों ने कहा ठीक है आप जो चाहते हो, हम लोग हमारे पास जो भी सामान है वो सामान हमसे ले लीजिए, हत्या मत करिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप जिसके लिए ये सब काम करते हो, जिसके लिए आप ये काम करते हैं, जाकर एक बार उनसे पूछ तो आइए कि जिस ये काम करने से जो पाप लगेगा उस पाप के वो सब भागी बनेंगे क्या। रत्नाकर ने कहा बड़े चालाक लोग आप सब हैं, मैं जाऊं पूछने और आप सब भग जाओगे। महात्माओं ने कहा नहीं, हम लोग भगेंगे नहीं, आप हम सबको बांध दीजिए। रत्नाकर ने उन महात्माओं को रस्सी से एक पेड़ में बांध दिया और अपने परिजनों के पास गए और अपने परिजनों से पूछा कि मेरा एक प्रश्न है कि जो मैं ये पाप करता हूं, जो अन्याय करता हूं, इसका जो पाप लगेगा इसके भागी आप सब बनेंगे क्या। परिजनों ने कहा कि पाप आप करते हैं, भागी हम क्यों बनेंगे। रत्नाकर के मस्तिष्क में ये बात आ गई कि महात्मा जो कह रहे थे वो सही था। वो लौट करके आते हैं, महात्मा जो बधे थे उनके पैरों पर गिरते हैं, कहते हैं महात्मा लोगों मुझे बहुत भूल हुई है, मैंने अब तक बहुत अपराध किया है, आज से मैं ये गलत काम छोड़ रहा हूँ। और उसी दिन से जब उनको सच्चे मित्र मिले, महात्मा के रूप में मिले, उन्होंने जो कृत्य उनके द्वारा पहले किए जा रहे थे, जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, जो लोगों के सामान वो छीन लेते थे, जो लोगों की हत्या करते थे, उसी दिन से उन्होंने ये सब काम बंद कर दिया और कहीं ना कहीं एक कवि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हुई और उनके मुख से ही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक निकला, अर्थात संस्कृत साहित्य का सूत्रपात वहीं से निकला और वो रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चा मित्र मिल जाए तो कहीं अगर किसी के द्वारा कोई भूल हो रही है तो उसका परिमार्जन संभव है। अंगुलमाल डाकू का नाम हम सभी जानते हैं। अंगुलमाल नाम का व्यक्ति जो लोगों की अंगुलियां काट करके गले में धारण करता है। गौतम बुद्ध को जब ये पता चला कि एक बहुत बड़ा डकैत, जिसको कह सकते हैं डाकू, आया है जो इस प्रकार का कृत्य करता है, उन्होंने निश्चय किया कि मैं उसके पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा, बहुत होगा मेरी हत्या हो जाएगी। लोगों ने बहुत समझाया नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन गौतम बुद्ध तो निर्णय ले चुके थे। वो जाते हैं, अंगुलमाल का सामना होता है और अंगुलमाल का जब सामना होता है, अंगुलमाल दहाड़ता है, क्या तुम मरने के लिए आए हो मेरे पास। गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, आपकी जो इच्छा हो मैं करूंगा, मैं दृढ़ प्रतिज्ञ आपके सामने खड़ा हूं, आपकी जो इच्छा उसको करो। गौतम बुद्ध की वाणी से अंगुलमाल इतना प्रभावित हुआ और उनको गुरु मान लिया और जो ये प्रतिदिन का उनका कृत्य था उसको वो बंद कर देता है और उसकी प्रकृति बदल जाती है, वह शांत हो जाता है और वह गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर लेता है।
इसी प्रकार से एक और घटना का उल्लेख करता हूं। मैं इसके पहले जिस विद्यालय में प्रधानाचार्य हुआ करता था, कक्षा नौम की प्रवेश परीक्षा थी। शैलेश वर्मा नाम का एक विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में बैठता है, उसके दोनों हाथ नहीं थे, वो दोनों कोहनियों से प्रवेश परीक्षा दे रहा था। जो आचार्य जी परीक्षा की ड्यूटी में थे, उन्होंने बताया कि एक ऐसा अद्भुत बालक विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में बैठ रहा है जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा लिख रहा है। मेरी जिज्ञासा हुई, मैं उसके पास गया, देखा वो दोनों कोहनियों से लिख रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे वो बालक हाई स्कूल की परीक्षा में बैठा। उसको हाई स्कूल की परीक्षा में 92% अंक अर्जित हुए। वो अपनी जो दिनचर्या थी उसको अपने हाथ से नहीं कर पाता था। उसके गांव का ही एक अमन वर्मा नाम का विद्यार्थी था, जो उसके साथ ही उसको लेकर के विद्यालय आता था, और वो विद्यालय में भी छाया की तरह उसके साथ रहता था। जब वो शौच के लिए जाता था उसके साथ जाता था, जब उसकी बटन बंद करने की बात आती थी तो उसकी बटन भी बंद करता था। इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी शैलेश वर्मा नाम के उस विद्यार्थी ने 91% अंक अर्जित किया। केवल इंटरमीडिएट में ही उसने ऐसा नहीं किया, जेई मेंस और जेई एडवांस की परीक्षा में भी वो स्थान बनाया। अभी वो आईआईटी रुड़की का छात्र है। जो उसका छोटा भाई अमन था, वो जेई मेंस जेई एडवांस में सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन उन दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि उसकी सहायता करने के लिए और मित्र भाव बना रहे और मित्र के नाते वो उसके लिए कुछ कर सके, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए रुड़की जाता है और उसके साथ रहता है। अभी भी उसका ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, उसका भी चतुर्थ सत्र है शैलेश वर्मा का आईआईटी में। तो मैंने देखा कि वो गांव का बालक, जिसके उसकी मित्रता पारिवारिक संबंध भी नहीं, लेकिन एक मित्र की तरह एक छाया की तरह उसका साथ देता रहा। एक बार जब उसका परिणाम आया जेई मेंस का, तो समाचार लेखन में जिनकी भूमिका रहती है, जो भारत का नेशनल चैनल है, दिल्ली से एक बड़ी टीम आई थी और बड़ी टीम ने जब शैलेश वर्मा का एक इंटरव्यू लिया था, तो शैलेश वर्मा ने कहा था कि वास्तव में यदि मैं अपनी पढ़ाई जारी कर सका और मैं आगे पढ़ाई जारी कर पाऊंगा, तो उसमें अगर सर्वाधिक किसी की भूमिका है तो भूमिका मेरे मित्र अमन की है। मैं जीवन पर्यंत अमन का ऋणी नहीं रहूंगा, जीवन पर्यंत मैं उसका ऋणी रहूंगा। तो कहीं ना कहीं केवल पुराने समय में ही मित्रता के भाव नहीं थे, वर्तमान समय में भी मित्रता देखने को मिल जाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण शैलेश वर्मा का जो मैंने दिया है, ये जीता जाता उदाहरण है। आज भी अमन वर्मा और शैलेश वर्मा रुड़की में रह रहे हैं। अमन वर्मा एक मित्र के, सच्चे मित्र की तरह उसका सहयोग कर रहा है और शैलेश वर्मा भी उसका योगदान, जितनी उसकी सफलता है, कहता है कि मेरी सफलता में अगर किसी की महती भूमिका है, सर्वाधिक भूमिका है तो मेरे मित्र अमन वर्मा की है। आज दैनिक जागरण ने संस्कारशाला में मित्रता का अनुशासन नामक विषय पर जो मुझको अवसर दिया है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस लाइव से जुड़ा हूँ। जो बंधु इससे जुड़े हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, आशा और विश्वास भी करता हूँ कि हम सब भी एक सच्चे मित्र की तरह, और जो भारत संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के मूल में है, मित्रता यहाँ के मूल में है, हम सब भी कहीं ना कहीं मित्रता का भाव रखते हुए जो कठिनाई में हैं, जो मुश्किल में हैं, क्या हम एक सच्चे मित्र की तरह उनका सहयोग कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं? यदि इतना हम कर सकें तो दैनिक जागरण का जो आयोजन है,
निश्चित रूप से इस आयोजन की जो सफलता है इसी में निहित है। पुनः मैं दैनिक जागरण के जो सभी कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद देता हूं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने का अवसर दिया, और जो बंद इससे जुड़े हैं उनको स्नेहाशीष भी देता हूं, उनके आशीर्वाद का भी आकांक्षी हूं। पुनः समय समापन की ओर है, मैं अपनी बात यही पूरा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।